उपाय तो हम बहुत करते हैं और उपाय करने का फल भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन उपाय करने का फल आपको कितना जल्दी मिल रहा है, कितना देर से मिल रहा है, ये आपके विश्वास, उपाय करते समय भगवान के प्रति आपकी आस्था कैसी थी, इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप कोई उपाय करें, उसको सच्चे मन से करें, ताकि परमात्मा किए गए उस उपाय का फल आपको जल्दी से जल्दी दे सके। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमावस्या के दिन क्या कार्य करें जिससे देखते ही देखते आप करोड़पति बन सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं पूर्णिमा अमावस के दान को लेकर, और इससे पहले भी हम आपको अमावस्या पूर्णिमा के दान के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज का यह एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे गुप्त दान के बारे में जिसको करने से आप बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं। एपिसोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है, ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके और आपको भी जानकारी का पूर्ण लाभ मिल सके। तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। प्यारे बंधुजनों, अमावस्या का जो दिन होता है यह विशेष रूप से विष्णु भगवान के निमित्त होता है, और विष्णु भगवान पितरों को मोक्ष देने वाले कहे गए हैं। विष्णु भगवान की पूजा करने से घर में कभी भी पितृ दोष नहीं आता, और जिन घरों में पितृ दोष की समस्या बनी रहती है उनके लिए तो अमावस्या का दिन और भी ज्यादा खास महत्वपूर्ण हो जाता है। अमावस्या के दिन आप कुछ ऐसे कार्य करें जिनसे आपके पितरों का मोक्ष हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन अगर आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया तो वह आपको अनंत कोटि पुण्य फल दे सकता है। आज का जो उपाय है वह उपाय आपकी गरीबी दूर करने का उपाय है। अगर आपके पास पैसे की बहुत परेशानी रहती है, धन आपके पास नहीं टिक पाता, आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चलती है, तो यह उपाय आपको करना ही चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं उस महा गुप्त उपाय को जो करने से धनवान मनुष्य अमीरी की ओर बढ़ता है। अमावस्या के दिन आप किसी गरीब, जैसे अगर आपकी गली में कोई सफाई वाला आता है, या आपकी सोसाइटी में अगर कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो बहुत मतलब भूखा है या असहाय है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति की वास्तव में हेल्प होनी चाहिए, अमावस्या के दिन आपने दूध, जी हाँ, कम से कम 250 ग्राम दूध उस गरीब व्यक्ति को आपने अपने हाथ से दान करना है। अमावस्या के दिन सुबह के टाइम अगर ना कोई मिले तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। 250 ग्राम दूध आप उस गरीब को दान करें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो बहुत समय से बीमार है, उसके हाथ से आप दान करवा सकते हैं उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, या अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा नौकरी में परेशानी आ रही है, तो उस व्यक्ति के हाथ से आप इस चीज का दान करवाएं। अगर आप घर की सुख शांति के लिए दान कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने हाथ से भी दान कर सकते हैं।
अमावस्या के दिन किया गया यह दान आपको बहुत पैसे की ओर ले जाता है। अमावस्या के दिन सच्चे मन से ये कार्य अगर आप कर लेते हैं तो परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और नारायण भगवान की कृपा से परिवार में कभी भी दारिद्र्य नहीं होगा और हमेशा आप पैसे की बरकत आपके परिवार में बनी रहेगी। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।